धर्म जागरण समन्वय विभाग उदयपुर के तत्वाधान में हनुमान जी की मूर्ति की हुई स्थापना। धर्म जागरण समन्वय उदयपुर के तत्वाधान में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत देवड़ावास में गांव सिसवी में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। धर्म जागरण समन्वय उदयपुर जिला संगठन संयोजक प्रभुलाल अंगारी, जाड़ोल परियोजना संगठन संयोजक सोहनलाल गमार, सोहन सिंह पवार, घनश्याम जोशी, कृष्णकांत जोशी, पानरवा जागरण के धनराज गरासिया, ग्राम पंचायत देवड़ावास के सरपंच मोतीलाल गरासिया, वार्ड पंच विकास कलाल व समुदाय के लोग उपस्थित रहे। गुण सागर से कपीस त्रिलोक उजागर, दूत अतुल दल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रंग बजरंगी, कुमुद निवार सुमत के संगी, अंजन वीर विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंसित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जानेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन, महेश प्रताप महाजगवंदन, ज्ञान कुनी अति शातुर राम, आज करिबे को आतुर करिबे को रसिया, राम लक्ष्मण मन बसिया। रीट की सीबीआई जांच को लेकर विधानसभा का घेराव। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के नेतृत्व में विधानसभा रीट परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जयपुर में विधानसभा घेराव व उग्र आंदोलन किया गया। भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वाटर कैनन मशीन एवं हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान प्रदेश ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष जगदीश सुतार, देहात उदयपुर जिला अध्यक्ष प्रेमचंद लोहार, जिला महामंत्री किशनलाल गुज्जर, जिला उपाध्यक्ष चुनीलाल कलाल, कोषाध्यक्ष बेरूलाल गुज्जर, जिला मंत्री मांगीलाल पटेल, प्रसार मंत्री रोशनलाल लोहार, हेमराज लोहार आदि ने भाग लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी मोर्चों के माध्यम से जो रीट की परीक्षा में धांधली हुई उसके खिलाफ जयपुर पर विधानसभा घेराव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से सभी मोर्चों के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि यहां पहुंचकर इस कांग्रेस की सरकार का घोर विरोध कर रहे हैं, और विधानसभा पहुंचने के बीच में जिस प्रकार पुलिस ने पानी के कैनन के साथ और हल्की लाठी बांधकर जिस प्रकार कार्यकर्ता डराने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं, इतना हताश नहीं है। निश्चित तौर से जब तक सीबीआई की जांच की मांग नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रत्येक स्तर पर लड़ेगा, ये उद्योग देहात की तरफ से ओबीसी मोर्चा से आह्वान है। डकैती के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार। थाना कोटड़ा दिनांक 11/2/2022 को प्रार्थी राकेश ने रिपोर्ट दी कि शराब ठेका लाइसेंसधारी प्रवीण का गोदाम मोरचुआ में है, जहां पर सेल्समैन का काम करता हूं। दिनांक 11/2/2022 को सुबह 5 बजे गाड़ी नंबर GJ18BT0020 अंग्रेजी शराब की 58 पेटियां भरकर दुकान ले जा रहा था कि पीछे से एक बिना नंबर की I20 कार आई व मेरी गाड़ी के आगे लगा दी और कार से 4 व्यक्ति उतरे जिनके हाथ में लट थे। मैंने मेरी गाड़ी की लाइट में उनको देखा तो 2 व्यक्ति को पहचान गया, जिसमें एक का नाम मोहनलाल व दूसरा चगनलाल निवासी बेजड़ा कला थे, जो पूर्व में हमारी गाड़ी के ड्राइवर थे। इन 4 व्यक्तियों ने मिलकर कहा कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। मैं डर के मारे खेतों की तरफ भाग गया और उक्त चोरों ने जबरन मुझे डरा धमका कर शराब से भरी हुई गाड़ी को छीन कर लूट कर मौके से भाग गए। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार हर्ष रुथुन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व कुशाल चोरडिया पुलिस उप अधीक्षक व्रत कोटड़ा के सुपरविजन में पवनसिंह थानाधिकारी कोटड़ा में टीम द्वारा अनुसंधान कर प्रकरण में नामजद आरोपी चगनलाल व मोहनलाल को उदयपुर को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है।
मजावत की बाबा रामदेव मंदिर में देर रात तक चली भजन संध्या। उदयपुर जिले के गोगुंदा पंचायत समिति के मजावत गांव में बाबा रामदेव प्रांगण में एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु झूम कर नाचे। बाबा राम मित्र मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक पुष्कर सांकला एंड पार्टी उदयपुर द्वारा देर रात तक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें ग्रामीण खूब जमकर नाचे। इसके साथ ही नृत्य पार्टी द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मजाव सहित आसपास गांव के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। अवैध बजरी खनन में प्रकरण दर्ज, ट्रैक्टर में ट्रॉली जब्त, अभियुक्त गिरफ्तार। थाना पंदरवा कुशाल राम चोरडिया पुलिस उप अधीक्षक व्रत कोटड़ा के सुपरविजन में रामसिंह थानाधिकारी पंदरवा द्वारा गठित टीम को आज गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड से आगे कोटड़ा रोड की तरफ वाकल नदी में एक ट्रैक्टर चालक नदी में चोरी छिपे बजरी का खनन कर ट्रॉली में भरकर आ रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने मेन रोड पर पहुंची, जहां एक ट्रैक्टर बिना नंबर में ट्रॉली के बजरी से भरा हुआ आता दिखा। ट्रैक्टर चालक पुलिस जीप व जाप्ता ट्रैक्टर में ट्रॉली जिसे बजरी भरी हुई को मौके पर छोड़कर भागने लगा, जिसको टीम द्वारा घेरा डालकर पकड़ा व नाम पता पूछने पर अपना नाम ओम प्रकाश पिता रमेश निवासी श्रवण पानरवा होना बताया। वहीं इस दौरान ट्रैक्टर को चेक किया तो ट्रैक्टर बिना नंबरी आइसर कंपनी का होना पाया गया, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली में रेती को जरिए फर्द जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर राजस्थान अपराध खनिज नियमावली 2017 के नियम 54-60 में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।